छात्र संघ 2016 चुनाव बुधवार को अजमेर के 7 महाविद्यालयों सहित एक विश्वविद्यालय में छुटपुट घटनाओं को छोड़कर शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गए। राजकीय महाविद्यालय पर एबीवीपी और एनएसयूआई के छात्रों के हुड़दंग के बीच मौके पर मौजूद जिला पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। वहीं भाजपा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने मामले को संभाल लिया। बुधवार को सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक सभी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय में मतदान प्रक्रिया जारी रही। दोपहर 2 बजे बाद मतगणना का कार्य शुरू हुआ। कई महाविद्यालयों में कम मतदाताओं के चलते मतदान का परिणाम कुछ ही देर में जारी कर दिया गया, जबकि राजकीय महाविद्यालय में सर्वाधिक मतदाता होने के चलते सबसे आखिर में परिणाम घोषित किया गया। तो यही है कि इतना बड़ा कैंपस है, हमने मुद्दे उठाए थे गवर्नमेंट कॉलेज में वाईफाई का, इतना बड़े गवर्नमेंट कॉलेज में वाईफाई सुविधा नहीं है छात्रों के लिए। हर छात्र के पास स्मार्टफोन होता है, फिर भी वाईफाई पासवर्ड लॉक करके रखते हैं। और दूसरा है कि 8,500 स्टूडेंट यानी कि स्ट्रेंथ है यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज में, तो भी कैंटीन नहीं, एक छोटी सी कमरे टाइप में कैंटीन है महाविद्यालय की, इसको हम कैफेटेरिया में की मांग करेंगे। आरोप है अध्यक्ष अनिश मारोटिया, उपाध्यक्ष रेणुका अग्रवाल और महासचिव सुरेश रावत और सचिव हिना एनएसओएस अध्यक्ष। राजकीय महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव परिणाम आने के बाद उत्साहित एनएसयूआई के छात्र और कांग्रेस नेताओं पर नारेबाजी और हंगामे के बीच पुलिस ने लाठी भांज कर उन्हें खदेड़ा। इस घटनाक्रम में कई कांग्रेसी चोटिल हो गए। कांग्रेस शहर अध्यक्ष विजय जैन ने पूरे घटनाक्रम की मजिस्ट्रेट जांच कराने की मांग के साथ अजमेर बंद की चेतावनी भी दी है। वहीं सेवादल संगठक शैलेंद्र अग्रवाल, रागिनी चतुर्वेदी, छात्र नेता सुनील लारा, लोकेश शर्मा व अन्य ने पुलिस की इस दमनात्मक कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग की है। Thank you.
कांग्रेस का परचम ले रहा है, एनएसयूआई का परचम ले रहा है, पुलिस प्रशासन को और जिला प्रशासन को नहीं बचा और उन्होंने जो है हमारे छात्रों को पटक पटक के मारा है, लड़कियों को पटक पटक के मारा है, जिस तरह इन्होंने घोड़े भगा भगा के मारा है, जैसे गुंडे बदमाशों को मारा है, हम निश्चित तौर पर इसकी हमारा बिल्कुल मजिस्ट्रेट जाँच की जाए और इनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, सजा दी जाए और इसके लिए अगर निरा तो कल जन्माष्टमी हम परसों अजमेर बंद का आह्वान करेंगे। लगभग 7:30 बजे जैसे ही जो हमारे यहाँ पे छात्र इकट्ठे हुए थे, जैसे ही वहाँ तक रिजल्ट आया कि एनएसआई के अध्यक्ष पद पर हनीश मारोठिया जीत गए हैं, वैसे ही पुलिस जो पहले से तैयार खड़ी थी लाठीचार्ज करने के लिए, बीजेपी के इशारे पे, बीजेपी सरकार के इशारे पे ये लाठीचार्ज किया गया, बड़ी बड़ी बल्लियां लेके मारा गया, ये देखिए हाथ सूज गया, यहाँ सूज गए। मैं भी आई थी यहाँ पर देखने के लिए कि इलेक्शन में क्या हो रहा है, पर पुलिस मैं कहती हूँ अशेम्ड हूँ मैं अजमेर की पुलिस के लिए, यही बीजेपी का राशन है जहाँ वोमेन सुरक्षित नहीं है, बार बार हम कहते हैं ये बीजेपी को तो डूब के मर जाना चाहिए। सर देखिए पूरे जिले में अजमेर जिले में एनएसयूआई ने परचम ले रहा है और जो सत्तारूढ़ भाजपा है जिनका प्रशासन जो उनके कहने पर काम कर रहा है उन लोगों ने वो जीत पहचान नहीं पाए और भाजपा के इशारों पर जो एनएसयूआई कार्यकर्ता उनको पछाड़ करके खदेड़ा, लेकिन ये जीत एक कार्यकर्ता की जीत है, एनएसयूआई की जीत है। आज छात्र संघ इलेक्शनों के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर ही एनएसयूआई का परचम लहरा है और इस बात से रुष्ट होकर के बीजेपी सरकार ने आज छात्रों के ऊपर, पार्षदों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर पुलिस वालों ने लाठीचार्ज करा, इसकी निशानी आप लोगों के सामने है। ये इतने बौखला गए कि इन्होंने लाठीचार्ज करवाया, बच्चों को फर्स्ट ईयर के बच्चों को इतना घोड़े पे भगा भगा के बिचावड़ों को मारा कि बिचावड़े सबके टांगों में लगी, किसी के कहाँ लगी, मतलब ये देख लो 400-500 बच्चे छात्र सब घायल पड़े बेचारे। तो उसको खदेड़ना नहीं कहते, सब अपने अपने घर जाए। नहीं लाठीचार्ज कहाँ की है, नहीं लाठीचार्ज कहाँ की है, नहीं नहीं चोटे वो आपस में भगदड़ में आई होगी चोटे, वो देख लेते हैं अभी क्या हुआ।